हम नौगढ़ के मेन रोड में पहुंच गए हैं। यहाँ पर दौड़ने वाले व्यक्ति से हम चर्चा करेंगे और पूछने की कोशिश करेंगे कि उनको रोड में आकर कैसा फीलिंग होता है। तो आप बताइए, आपका नाम क्या है? आपका जी, मेरा नाम घासीराम कोसले है सर। आप ये बताइए, आपको रोड में आकर फीलिंग क्या होता है, मतलब कैसा लगता है आपको? आइए। मेरे को रोड में आने से बढ़िया लगता है, वातावरण भी इससे शुद्ध रहता है, तो मैं शरीर के लिए, सेहत के लिए, अपने फिटनेस के लिए यहाँ रोड आता हूँ। तो आपको यहाँ ठंड वंड लगता है कि नहीं लगता है? ठंड मौसम की वजह से लगता है, लेकिन अब क्या करोगे, शरीर बनाना है, पूरा युवा रहना चाहिए कहीं दे। यहाँ पे हम देख सकते हैं बच्चे भी आए हैं। आप बच्चे ये नहीं बात करना चाहते, इनसे पूछते हैं। आप बताइए, मतलब रोड आकर आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, मतलब चाहिए। आप डेली आते हैं रोड? डेली नहीं आते हैं। तो यहाँ में ये भाई साहब से पूछने की कोशिश करेंगे। आप बताइए। अरे भाई साहब रुकिए, नहीं ये बात करना नहीं चाहते। आप बताइए, आप तो साइकिल में खड़े हैं। नहीं आप बताइए, आपको कैसा फीलिंग कैसा होता है? बढ़िया लगता है, शरीर फिट रहता है। डेली आते हैं आप रोड? डेली आते हैं, हर युवा का आना चाहिए। आप यही से हो? हाँ यही से हैं। तो आपका तो पेट वेट निकला हुआ है, आप रोज आते हैं? पेट पचने पचकाने के लिए तो आ रहे हैं ना। तो आप कहते हैं रोज आते हैं, तो अभी तक पेट आपका दबा नहीं है? 5 दिन हुआ है, 5 दिन थोड़े पेट पचकता है। चलिए ठीक है। ए भाई साहब आप बताइए, आपका पेट अभी तक दबा क्यों नहीं? अरे तो हम खा रहे हैं ना जी, खाते तो सब है। अरे हम लोग बिहारी है, दबाक खाते हैं, दूध दही। तो आप बिहारी हो तो अभी छत्तीसगढ़ नवागढ़ में क्या कर रहे हो? छत्तीसगढ़ पूरा बिहारी भरे, कोरबा रायगढ़ जाके देखिए, पूरा प्लांट में बिहारी है। अभी तो चला दारू बंद हो गया, दारू में जितने पैसे कमाए थे उतने से घर सब बना कर यही रहने लगे हैं। अच्छा, भाई साहब से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, आपको कैसा, मतलब फीलिंग कैसा होता है आपको रोड आकर? हेलो भाई साहब, देखिए इधर देखिए। चलिए वो बच्चा है तो ठीक है, अपने एक जवान भी आ इधर थोड़ा देखिए, मतलब आपको कैसा फीलिंग होता है रोड आकर, कुछ लिख दे दीजिए। आप तो फौज में हैं। नहीं, मतलब आप जवान हो, आप जवान हो तो बच्चों को कुछ दिशा निर्देश दो ताकि वो भी दौड़े कूदे और अपना भविष्य बनाए। यहाँ पर जवान लोग जो ट्रेनिंग करते हैं उन लोग का मनोबल बढ़ता है, हौसला आता है कि वो लोग भी कुछ कर सके आने वाले भर्ती के लिए। तो यहाँ आप डेली आते हो? डेली नहीं आता हूँ, जब भी आता हूँ छुट्टी तो मैं यही चाहता हूँ कि आने कुछ रोड आने वाले को कुछ शिक्षा दूँ। तो सर का कहना है कि रोड आने वाले को शिक्षा देंगे। यहाँ पर हम ये भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब आप रुकिए, आप रुकिए।